नमस्कार जी, आज हम आए हैं भजन संध्या पर, जो संजीव जी ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करवाया है भजन संध्या का नव वर्ष के शुभ अवसर पर। तो आओ जानते हैं इनसे कि ये इन्होंने कार्यक्रम जो आयोजित करवाया है उसके लिए और क्या क्या उपराले कर रहे हैं। नमस्कार संजीव सर। आज आप देख रहे हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शुक्रपुर गांव में गणपति परिवार का मैं संरक्षक हूं। गणपति परिवार ने हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 के उपलक्ष में आगमन पर और नवरात्रों के उपलक्ष में यहां पर परिवार मंगल मिलन का कार्यक्रम और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्षेत्र की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बंधु मातृशक्ति और बच्चे यहाँ पर आए हैं। मिलजुल कर यहाँ पर हम अपना हिंदू नववर्ष यहाँ पर मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर आज ही के दिन क्यों, आज जैसे नया भी साल है और नवरात्रे भी शुरू हुए हैं, तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जो जनता है, संगत है इसको? मैं नववर्ष पर, हिंदू नववर्ष पर, विक्रम संवत पर जितने भी बंधु मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबके लिए, मातृशक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने हिंदू सनातन धर्म का पालन करें और सभी का विकास, सबका साथ, इसी नीति को लेकर, वसुदेव कुटुंब को लेकर जो हमारी संस्कृति ने जो संदेश दिया है, और भारत जो है हमारा सोने का चिड़िया था, है और रहेगा, यही हम संकल्प ले रहे हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम आपका नाम? मैं रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी, और यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है नववर्ष संवत का। संजीव शर्मा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा आज का ये आयोजन किया गया है। बहुत सुंदर आयोजन है, भजन संध्या भी है और सभी के पास में एक विचार पहुंच रहा है कि भारतीय संस्कृति, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उनको फॉलो करें। और इतना सुंदर आयोजन और उसमें युवा, महिला, बड़े सभी लोग जुड़े हैं, बड़ी संख्या में सब लोग आए हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ संजीव शर्मा जी को और मेरी ओर से सबको नववर्ष संवत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आज जैसे नया साल भी है और प्लस नवरात्रे भी शुरू हैं, तो इसके लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये वो तिथि है जिस दिन हम मानते हैं कि नववर्ष शुरू होता है। आज से हम अपने सारे शुभ कार्यों का प्रारंभ करते हैं, नवरात्रों की शुरुआत है और हर चीज़, क्योंकि हम अंग्रेजी नववर्ष को नहीं मानते, हम 1 जनवरी 31 दिसंबर को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि जब हमारी फसल लहलाती है और खेतों में खड़ी हो जाती है, जब हमारा सूर्य अपने पूरे उत्तरार्ध पे होता है, हम इस तरीके से अपने पूरे नववर्ष को मानते हैं। और इस नववर्ष के निमित्त ही पूरे देश में काम होता है, उसी के हिसाब से हमारे महीने, हमारी तिथियां काम करती हैं। तो देश में हर व्यक्ति को इसकी समझ होनी चाहिए और इसके साथ जुड़ाव होना चाहिए। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप जी का नाम? मेरा नाम रोशन कंसल है, मैं केशवपुरम जिले का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश कार्य समिति में हूँ। और आज ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे दोबारा से विश्व गुरु भारत बनने की जो शुरुआत हो चुकी है, और इसमें संजीव भाई ने एक बहुत अच्छा नेक कार्य किया है कि हिंदू नववर्ष नवरात्रि की विक्रमी संवत 2080 में जो आज जो नया साल हम मना रहे हैं, वास्तव में यही हमारा नया साल है। और देखिए, इसमें आज पहला नवरात्रा है और अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे भोज लेते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तब हमारे नए साल की विक्रमी संवत हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। ये हमारा हिंदी नववर्ष है, हमारा हिंदुस्तान का नववर्ष है, और हिंदुस्तान ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे आयोजनों से ही हम बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाले हैं। गौ माता हमारी फिर से बहुत ज़्यादा पूजने लगी है, और जब गौ माता पूजती है तो देश विश्व गुरु बन के रहता है। मैं संजीव भाई को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे बढ़िया आयोजन की, अच्छे कार्यक्रम की, बढ़िया भजन संध्या की, और गणपति महोत्सव के सभी कार्यकर्ताओं ने जो आयोजन किया, आपको अनंत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका नाम? ज्योति अग्रवाल। मैम आज आपका यहाँ पर हिंदू नववर्ष भी है और नवरात्रे भी स्टार्ट हैं, तो भजन संध्या जो रखवाई है संजीव जी ने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संजीव शर्मा जी पहले भी हमारे जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके साथ काम भी किया है, बहुत अच्छे हैं, और उनकी तरफ से जो ये आज नवरात्रि और हिंदू नववर्ष पर जो संध्या रखी गई है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ।
धन्यवाद मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका नाम सर? दीपक मेहरा मेरा नाम है और मैं मैत्री गणपति महोत्सव का महासचिव हूँ। हम लोग आज आप सभी दर्शकों को आज नववर्ष की शुभकामना देना चाहते हैं। नववर्ष ये एक स्पेशल नववर्ष है जो कि हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये वैसे जो सामान्य जो कैलेंडर है उस तरह का नववर्ष नहीं है। इस प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी प्रकृति के परिवर्तन होते हैं वो सभी के सभी इस नववर्ष से प्रारंभ होते हैं। वो बसंत ऋतु के अंदर ये उत्तरायण के अंदर ये नववर्ष शुरू होता है और इस नववर्ष के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे पेड़ों के पत्ते नए आते हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन नया आता है, लोगों के अंदर नया उत्साह और जो किसानों की फसलें होती हैं वो अभी पकती हैं, तो इस हिसाब से प्रकृति के जितने भी चीज़ें हैं वो सब शुभ तरीके से आज से शुरू होती हैं। और ये चैत्र मास का जो प्रतिपदा पहला है, पहला दिन जो नवरात्रा है, यही हमारा नववर्ष होता है। और इसमें हम लोगों ने एक इस साल एक कैलेंडर रिलीज़ किया है हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक ये कैलेंडर रिलीज़ किया आज वाराणसी के अंदर 19 मार्च को, और आज हम इसका विमोचन यहाँ दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। और इसके अंदर स्पेशली आप देखिए कि ये 22 तारीख को ही शुरू हो रहा है जो कि प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का है। इसमें हम लोगों ने स्पेशली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों अलग अलग दिए हैं। ये हमारा वैसे मंथ है, इसमें 15-15 दिन का होता है जो कि पूर्णमासी तक होता है और फिर अमावस तक होता है, तो ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अलग अलग है। और फिर उसके अंदर हम लोगों ने रोज का नक्षत्र कौन सा है, उसमें भगवान सूर्य कौन सी राशि के अंदर है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, और इस तरह की पूरी जानकारी ताकि जो भी लोग हैं वो प्रकृति के परिवर्तन को समझें और उस परिवर्तन की वजह से आपके शरीर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर क्या अलग अलग विचारों में आपके मन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है उसको जान सकें, इसलिए ये कैलेंडर हम लोगों ने आज जारी किया है। और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि लोग इसके बारे में और जानेंगे और इस कैलेंडर से अपने जीवन में और आनंदमय जीवन बिताएंगे, इसके पूरे फायदे उठा के। आज संजीव जी ने बहुत ही अच्छा संध्या का कार्यक्रम करवाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी हमारे संरक्षक हैं और हमेशा इसी तरह के जो सनातन पद्धति के जितने भी कार्य हैं उसमें ही लगे रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं और हमारा सहयोग हमेशा उनके साथ बना रहता है। बहुत आनंददायक कार्यक्रम था और ऐसे ही आनंददायक कार्यक्रम आगे भी बने रहेंगे। हम गणपति हर साल करते हैं, साल के अंदर शिवरात्रि का एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें 500 लोग एक साथ रुद्राभिषेक करते हैं। उसके अलावा हमारे हर महीने का जो संक्रांति है उस पर ध्वज का कार्यक्रम रहता है, तो हम लोग पूरे साल इन्हीं कार्यक्रम में लगे रहते हैं कि किस तरह से हमारी सनातन जो हमारी ट्रेडिशनल जितनी पूजाएं हैं, ट्रेडिशनल जितने भी तरीके हैं वो सब तरह से कायम रहें और आने वाली जनरेशन को हम लोग ये पास ऑन कर सकें। तो धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छे से भी आपने भी आयोजन किया और सबका सहयोग किया। नमस्कार जी।